हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 था वो हमने सॉल्व किया था। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं देन आप प्लेलिस्ट मौजूद है, चैनल पर जाएंगे आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास से ही रिलेटेड है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने सिल्वर के आइसोटोप्स के लिए हमने उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बोरॉन विद एटॉमिक नंबर 5, बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, हैज़ टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, उसके दो आइसोटोप्स हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन जिसका मास 10 है और बोरॉन जिसका मास 11 है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं जिनका मैसेज 10 और 11 है, ठीक है। अब आपने करना क्या है? आपने परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखते तो उसमें बेसिकली हमें मैसेज और परसेंटेज अबंडेंस दे दी गई थी और हमने क्या कैलकुलेट करना था? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था। लेकिन यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन वो भी दे दिया और यहाँ पर आइसोटोपिक मास भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको जो डाटा गिवन है वो क्या है? वो है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन जो कि 10.81 amu है। फिर इसके अलावा दोनों आइसोटोप्स के मैसेज गिवन हैं आपको यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब आपने परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमने लेट करवा लिया कि जी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरॉन 10 मींस के बोरॉन जिस बोरॉन का वो आइसोटोप्स जिसका मास 10 है उसके लिए हमने लेट करवा लिया कि उसकी परसेंटेज अबंडेंस एक्स है, ठीक है। फिर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरॉन 11, वो बोरॉन का आइसोटोप्स जिसका मास 11 है उसके लिए रिलेटिव अबंडेंस की क्या वैल्यू होगी? फिर वो हम सिंपली राइट कर लेंगे 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 100 माइनस एक्स क्यों किया? क्योंकि देखें परसेंटेज जो होती है वो मैक्सिमम 100 होती है, ठीक है। तो अगर बोरॉन 10 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो सपोज 40 आ रही है, ठीक है, तो फाइनली दूसरे वाले की ऑटोमेटिकली कितनी होगी? बाकी 100 में से माइनस कर देंगे 40, 60 आ जाएगा। तो 60% दूसरे वाले आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस हो जाएगी। तो इसी वजह से सिंपली हमने क्या किया कि एक आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, लेट करवा लिया कि ये एक्स के इक्वल है क्योंकि अभी अननोन है, हमने फाइंड करनी है। दूसरे की कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब एक की कैलकुलेट हो गई तो दूसरे की कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली उसको 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करना है वो वही फार्मूला यूज़ करना है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने किया था कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है उसका क्या फार्मूला होता है? उसका ये फार्मूला होता है कि आइसोटोप के मैसेज को आपने उनकी परसेंटेज अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। अब अगर एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है आपने तीन आइसोटोप्स के लिए तो यहाँ पे तीसरे आइसोटोप का भी मास मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देना है, ठीक हो गया। सो क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में दो आइसोटोप्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मैंने ये फार्मूला भी दो आइसोटोप्स के लिए लगाया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि एवरेज एटॉमिक मास गिवन है आपको, मैसेज गिवन है आपको, परसेंटेज आपने फाइंड करनी है जो कि हमने लेट करवा ली कि एक आइसोटोप की एक्स है और दूसरे की 100 माइनस एक्स है, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, इस फार्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, कि एवरेज एटॉमिक मास इक्वल हो जाएगा मास ऑफ द
फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस जो कि हमने एक्स एक्सपोज करवाई हुई है, फिर हमने ऐड कर देना है उसको दूसरे आइसोटोप का मैस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस जो कि हमने 100 माइनस एक्स एक्सपोज करवाई है, डिवाइड कर देंगे 100 से इसको। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मैस की वैल्यू भी सब्सिट्यूट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है, ठीक है। सो कितनी वैल्यू गिवन है? 10.81। अब यहाँ पर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया एक्स को इसके साथ, ठीक है, तो सिंपली 10.0129x आ गया, और इसको 11.0093 को 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया, तो सिंपली आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक हो गया। अब देखें इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, तो यहाँ पर जो x के साथ वैल्यू है वो बड़ी है देखने में, तो इस वजह से साइन नेगेटिव का आएगा, ठीक है, और इन दोनों में से जो ऑपरेशन होगा इन दोनों पे वो सब्ट्रैक्शन का होगा, तो फाइनली आपके पास 0.9964x आ गया, और प्लस ये 11.00.93 एज इट इज़ आपने लिख दिया, ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, सो दूसरी तरफ जाकर हमने इसको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहीं पर रख लिया, इस वाली वैल्यू को जिसके साथ x लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू है जो यहाँ पर प्लस हो रही थी ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। इनको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया -19.93। अब इस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमने एक्स को यहीं पे रख लिया और ये जो 0.9964 था ये इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20%, ठीक है। अब देखें ये जो x था ये हमने उस आइसोटोप के लिए परसेंटेज अबंडेंस सपोज करवाई थी जिसका मैस 10 है, ठीक है, तो फाइनली हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आ गई 20% उस बोरॉन के आइसोटोप के लिए जिसका मैस 10 है, ठीक है। दूसरे के लिए हमने परसेंटेज अबंडेंस सपोज करवाई थी 100 माइनस एक्स, तो सिंपली दूसरे आइसोटोप के लिए रिलेटिव अबंडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम 100 में से ये 20 माइनस करेंगे, तो आंसर आ गया हमारा 80%। तो इस तरह से आपने दोनों आइसोटोप्स के लिए रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस आपने कैलकुलेट कर ली। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।